उनकी जो एक्टिविटी थी उससे इंस्पायर्ड है एंड इट्स अ रियली ब्यूटिफुल कलेक्शन. इट्स टारगेटेड आई थिंक फॉर द मॉडर्न इंडियन वुमेन. यू नो वेयर आई एम वेयरिंग लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग दैट्स वेरी ट्रेडिशनल एंड देन यू नो द ब्लाउज इज नाइस एंड मॉडर्न एंड इट्स समथिंग विद अ ट्विस्ट. जी कंफर्टेबल कितना ये तो अगर आप पहनेंगे आपको पता चलेगा, पर बट ये खूबसूरत बहुत है. और हाँ मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट ट्रेडिशनल आउटफिट्स टेंड टू बी लिटिल बिट हैवी. सो इट्स नॉट समथिंग ऑब्वियसली टू बी वॉर्न एवरी डे. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली अडॉर्न्ड आउटफिट, सो इट्स फॉर अ वेरी स्पेशल ओकेजन. सो स्पेशल ओकेजन्स के लिए कुछ भी यू नो एवरीथिंग वी आर विलिंग टू. मेरा किसी का भी स्टाइल उनकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो आई एम श्योर मेरा स्टाइल भी मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभी जब मैं बहुत ही आलसी फील कर रही होती हूँ तो वो बहुत ही झल्ला सा स्टाइल होता है. कभी कभी जब मुझे मन करता है थोड़ा ड्रेसअप करने का तो हाँ वो थोड़ा एक जैसी सा स्टाइल होता है. बट अल्टीमेटली अगर मेरा पर्सनल स्टाइल है तो इट इज़ थोड़ा सा बोहेमियन, थोड़ा सा रिलैक्स्ड. एंड एज आई सेड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है आपने जिस चीज़ जो पहना है उसमें, तब आप अच्छे नहीं लग सकते.